दोस्तों आज हम कुछ अलग अनबॉक्स करने वाले। अभी तक आपने ज्यादातर देखी होगी हमने जो है बस, कार और ट्रक ये सब अनबॉक्स करते हैं। तो आज कार वगैरह से हट करके आज हम ये स्प्रे ट्रेन लेकर के आए हैं। बेसिकली जैसे आपने देखा होगा पुराने जमाने के मूवी में ट्रेनों में देखते हैं जैसे ऊपर से धुआं निकलना है, तो इसीलिए धुआं निकालने के जगह पे इन्होंने वाटर बेस्ड कुछ टेक्नोलॉजी इसमें बनाया है। जैसे पानी डालेगा और स्प्रे निकलेगा स्टीम इंजन टाइप से कुछ। और इसे बैटरी ऑपरेटेड है, इसके अंदर लाइट्स म्यूजिक वगैरह सब आपको मिलेंगे। तो ये जो है ऑब्वियसली ये मेड इन इंडिया नहीं है, ये मेड इन चाइना है। इसको हमने खरीदी है लगभग 400 रुपीज़ की, बैटरी ऑपरेटेड है और वही सब चीज़ें मेंशन करी गई है इसके अंदर। ये स्प्रे है, इन्वर्सल व्हील है, लाइट एंड साउंड है। तो ये सिर्फ आगे का जो है ट्रेन का इंजन हिस्सा आपको इसके अंदर मिलेगा। तो आइए हम इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे ये काम करेगा। इस चैनल पे दोस्तों इस तरीके के काफ़ी सारे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इन सब प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएंगे, जाकर के पहुँच से बाय कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और इसके बॉक्स के अंदर नहीं मिलता है बैटरी, आपको इसके अंदर नहीं मिलती है। जैसा भी बाकी जो बैटरी ऑपरेटेड टॉय होते हैं वैसे ही ये भी है, ये देख सकते हैं आपको। स्प्रे ट्रेन के नाम से इसकी जो है इसको बताया गया है। स्प्रे इंजन जो है यहाँ पे आपको स्प्रे निकलेगा सामने से कुछ इस तरीके से। आपको ये इंजन का पूरा लुक आ रहा है, जो लोकोमोटिव है हमारे ट्रेन की। साइड से भी आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ये बैक में कुछ नहीं है, इसके बड़े बड़े जो है रेस दिए गए हैं। ओके, और यहाँ पे आपको बैटरी का सेक्शन दिया गया है जिसपे क्लियरली मेंशन है मेड इन चाइना। भैया हम इसके अंदर पहले बैटरी लगा लेते हैं, 3AA की बैटरी आपको इसके अंदर लगेगी। ये देखिए 3AA की हमने बैटरी लगा ली है। अब इसको करते हैं पैक। और दूसरा चीज जो है एक और, अभी हम इसको ऑन नहीं करेंगे, इसके अंदर आपको वाटर डालनी है। बेसिकली तो वाटर डालने के लिए इसके अंदर स्पेसिफिकली कुछ दिया नहीं है। और वाटर कहाँ पर डालना है, ये जो सेक्शन है इस जगह पे आपको वाटर डालनी है, इसको खोलना है और यहाँ पर वाटर डालना है। तो हम इसमें थोड़ा सा वाटर पहले डालते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने पानी डाल दिया है इसके अंदर। अब इसको लगाते हैं और इसको चेक करते हैं कि अब जो है ऑन करने के बाद इसमें से स्प्रे निकलता है कि नहीं निकलता है। पानी डालने के बाद भी स्प्रे नहीं निकल रहा है, तो हो सकता है कि जो हमारा वाला जो यूनिट मिला है खराब हो। अब है तो मेड इन चाइना सामान, क्या ही कह सकते हैं, कुछ कुछ खराब हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये वाला हमारा वाला जो पीस है ये खराब है। जरूरी नहीं है कि अगर आप लें तो आपका भी पीस यहाँ पे खराब निकले, जैसा फोटो पे दिखाया था वैसा ये काम नहीं करी देती। ऑन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्टीम जमा हुआ है ऐसा लग रहा है, इसमें कुछ तो भी मैकेनिज्म में कुछ गड़बड़ी हुई है। जो स्प्रे बनना चाहिए वो स्प्रे नहीं बना है, देख सकते हैं। इस तरफ देखिए कैसा है ये प्लास्टिक, और इस तरफ देखिए तो हल्का सा ऐसा लग रहा है कि वेपर जो है जो स्प्रे बनना तो बन तो रहा है, लेकिन सही से वो बाहर नहीं आ पा रहा है, अंदर अंदर ही कैप्चर रह जा रहा है। पानी इसके अंदर डालना है और कुछ जो है जैसे ह्यूमिडिफायर का मैकेनिज्म होता है कुछ वैसा ही होगा। तो बाकी सब काम कर रहा है, आप इसको जो है देख सकते हैं, हमारी बैड लक है।